अक्सर कहा जाता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दो खेमों में बंटती थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि वहां पर वो तीन से चार खेमे नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का ग्रुप अलग है, चन्नी का ग्रुप अलग है, सुनील जाखड़ का ग्रुप अलग है, इतना ग्रुपिज्म होगा तो पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर नजर कैसे आएगी? नहीं देखिए, ऐसा है कि इसमें दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई, लेकिन दलित कार्ड में क्या है कि कांग्रेस का जो एक विचारधारा है वो विचारधारा एक अलग है कि जब विधायक जीत के जाते हैं तो उनका उनका कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी बनती है, वो अपना नेता चुनते हैं। मैं एक बात करने वाला था, वो आप कट हो गई, वो बड़ी जरूरी है। वो बात है मेरी सुनील जाखड़ जी के लिए। जी, जब 111 दिन की सरकार बननी थी तो उस समय तीन बंदे मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, बिल्कुल, जिनमें से अच्छा उनमें से सुनील जाखड़ भी थे। ठीक है, सुनील जाखड़ को हालांकि 42 विधायकों ने सपोर्ट बोला किया कि था। सुनील जाखड़ जी हाँ, लेकिन आपने अगर कल ध्यान से सुना हो तो सबसे ज्यादा प्रेज सुनील जाखड़ जी की ही की गई है, क्योंकि वही किसानी को जानते हैं, वही पंजाब के मुद्दों को जानते हैं। उनको इसलिए दरकिनार कर दिया गया कि भाई आप पगड़ीधारी नहीं है, आप हिंदू हैं, और आप हिंदू परिवार से अगर संबंध रखते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। यही तो अहम सवाल है जिसको लेकर उन्होंने अंबिका सोनी पर तंज भी कसा कि अंबिका सोनी का जो बयान था वो निंदनीय था। अनुनीत जी, आप किस तरह से देख रहे हो? मेरा अहम सवाल है, जिस तरह से तीन तीन चार चार ग्रुप एक पार्टी के अंदर होंगे तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? ये बिल्कुल सही बात है, कम से कम पार्टी में अगर डिफरेंसेस हैं तो वो पब्लिकली नहीं दिखने चाहिए। जी, पहले अमरिंदर सिंह जी के साथ, फिर चन्नी जी आए हैं तो उनके साथ, चन्नी जी को सबकी सपोर्ट के साथ जब चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया गया है तो वो सपोर्ट रहनी चाहिए, वो चलनी चाहिए। और वो भी दलित नेता हैं और अपना एक्सपीरियंस है उनको, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अच्छा है। जी, लेकिन अगर पार्टी अपना डिफरेंसेस पब्लिकली शो करने लग जाती है तो उसे ये पता चलता है कि उनकी एस्पिरेशंस खाली पॉलिटिकल ही हैं, उनको पंजाब की डेवलपमेंट ग्रोथ इससे कोई इतना इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस में रह रहा है, लेकिन अपनी एस्पिरेशंस पूरी करने में सब लोग लगे हुए हैं।